हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम कर रहे थे क्लास 8 का मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने खत्म किया था चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग, और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर होता क्या है? तो जैसे आप कुछ नंबर देखो, ये 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। अब आप देखो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो नंबर हम ले रहे हैं उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे हैं। यही कर रहे हैं, 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, और उसके बदले में यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है 1, 4, 9 और 16, इसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो कुछ नंबर है, उस नंबर को हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट मिला उसको हम कह रहे हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब आप देखो कि 1 और 4 के बीच में कुछ नंबर्स हैं। कौन कौन से? 2, 3। 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8, और 9 और 16 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14, 15 and so on। तो ये सारे जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, ये दीज आर स्क्वायर नंबर्स 1, 4, 9 and 16, और नॉन स्क्वायर नंबर्स कौन से? जिनको उस तरह से नहीं लिखा जा सकता है कि उनको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सके। मतलब अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम 2 लिख पाते तो 2 में भी मेरा स्क्वायर नंबर होता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आता है, तो 4 मेरा स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो जिस भी नंबर को हम उसको एक कोई भी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग स्क्वायर नॉन स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं, और जिसको हम उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है स्क्वायर नंबर्स होने का? तो सबसे पहला चीज कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा इट कुड बी रिटन एज n × n और n स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी नंबर को अगर हम n × n यानी n स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा स्क्वायर नंबर, या फिर इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर दोनों एक ही बात है, कि मतलब किसी भी नंबर को आप n × n के फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर ये नेचुरल नंबर है एंड n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। n को भी नेचुरल नंबर होना चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको हम 5 को √5 × √5 लिख दिए तो √5 नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए ये n 5 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इट कुड बी रिटन एज n × n² एंड n इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर है और n स्क्वायर के फॉर्म में किसी भी एक नंबर को लिख सकते हैं तो वो नंबर होगा स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब हम लोग कुछ ट्रेंड्स देखते हैं जो कि ओकेजनली देखा जाता है स्क्वायर्स में। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ट्रेंड। यहाँ पर लिखा हुआ 1 से 30 तक के स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर यूनिट प्लेस है 1, 1, 1। ठीक है, 4, 4, 4, 9, 9, 9, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 4, 4, 1, 1, 1, 0, 0, 0। ठीक है, सो जो भी नंबर है, अगर जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसका यूनिट डिजिट सेम है तो उसका जो स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी सेम होगा, सबसे पहला चीज। ठीक है, कि जो भी मतलब कि स्क्वायर यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर इज पर्टिकुलर टू द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, मतलब हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट देख करके ये बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा। ठीक है,
वी कैन फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर थ्रू यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर. ठीक है, हम किसी के भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं अगर हमको उस नंबर के यूनिट डिजिट का पता हो तो. दूसरा चीज आप देखो, आप सबको यूनिट डिजिट देखो, जीरो है, वन है, टू कहीं है, टू कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थ्री नहीं दिख रहा है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एट नहीं दिख रहा है, नाइन दिख रहा है. जीरो से लेकर के वन दिख, मतलब जीरो से लेकर के नाइन तक आपको दिख रहा है एक्सेप्ट टू एट थ्री सेवन. ठीक है, दूसरा चीज द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकता है, टू एट थ्री सेवन. ठीक है, टू एट थ्री सेवन ये चार नंबर है जिनका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता. तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल कौन कौन से है, कौन कौन से हो सकते हैं, तो जीरो, वन, फोर, फाइव, सिक्स, नाइन, ये सारे डिजिट्स हैं जो कि स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे आ सकते हैं. अब इन सबका देखते हैं, अगर हम यूनिट डिजिट जीरो, जिसका यूनिट डिजिट जीरो है, यहाँ पर मान लो एक्स है, ठीक है, कुछ भी है, यूनिट डिजिट उसका जीरो है, तो इसके जो भी आएगा, यहाँ पर वाई लिख रहे हैं, इसका आएगा लास्ट में जीरो. मतलब जिस नंबर के एंड में जीरो आता है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने पे भी एंड में जीरो आएगा. दूसरा चीज, वन आने पर या फिर नाइन आने पर ये लास्ट में वन आएगा. ठीक है, टू तो आता नहीं है कहीं पर, फोर का बात करते हैं, अगर हम टू का या फिर एट का निकाले तो आएगा फोर. ठीक है, थ्री का या सेवन का हम निकाले तो आएगा नाइन. ठीक है, फोर का और सिक्स का अगर निकाले तो आएगा सिक्स, और फाइव का निकाले तो आएगा फाइव. ठीक है, जीरो का जीरो, वन का वन, नाइन का भी वन, टू एट का फोर, थ्री सेवन का नाइन, फोर सिक्स का सिक्स, और फाइव का फाइव. ठीक है, जीरो और फाइव का यूनिक रहता है, बाकी वन टू थ्री फोर नाइन एट सेवन सिक्स. ठीक है, वन फोर नाइन सिक्स. ठीक है, ये ट्रेंड फॉलो करता है सारा स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, आगे देखते हैं. ओके, तो हम देखते हैं कुछ और पैटर्न्स. आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम एक ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो भी ऑड आता है, और जब भी हम इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो भी इवन आता है. जैसे कि आप बताओ, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन. ठीक है, नाइन का स्क्वायर एटी वन, थ्री का स्क्वायर नाइन, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, फिफ्टीन का स्क्वायर टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन का स्क्वायर फोर फोर्टी वन. आप कोई भी यहां पर नंबर ले लो, एज लॉन्ग एज ये ऑड नंबर है वन, तो इसका भी एंड डिजिट पर, यानी कि यूनिट डिजिट पर वन ही आएगा. वन का वन, नाइन का स्क्वायर एटी वन, ये भी ऑड, वन भी ऑड, एटी वन भी ऑड, नाइन भी ऑड. ठीक है, थ्री ऑड है तो इसका स्क्वायर नाइन, ये भी ऑड है. नाइन का स्क्वायर
फिर एक इवन होगा वो भी ऑड है। तो इस तरह से आप जितना भी एग्जांपल्स लो, एज लॉन्ग एज आप ऑड नंबर का स्क्वायर ले रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका ऑड नंबर ही होगा। क्योंकि आपको तो याद है ना, जब भी वन का वन, जब भी कोई डिजिट वन में एंड होता है, लाइक वन में एंड होगा तो इसका स्क्वायर भी वन में एंड होगा। अगर टू में एंड होगा तो इसका स्क्वायर फोर आएगा। अब ये इवन नंबर है तो ये भी इवन नंबर आ रहा है। उसी तरह से थ्री का अगर थ्री अगर किसी की यूनिट डिजिट वन है तो उसका स्क्वायर नाइन में एंड होगा होगा। अब थ्री भी ऑड है तो नाइन भी ऑड है। फोर, फोर का कैसे आता है? फोर का आता है सिक्स में। अगर कोई कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट फोर है तो उसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे सिक्स आएगा। उसी तरह से फाइव का क्या आता है? फाइव आता है। तो उसी तरह से सिक्स का फिर एंड में सिक्स ही आता है। सेवन का नाइन ही आता है। एट का फोर आता है। नाइन का फिर वन आता है। तो जब ये ऑड रहेगा तो ये भी ऑड रहेगा, और ये इवन रहेगा तो ये भी इवन रहेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? तो इसको लिखते हैं स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, जब भी हम एक ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर जो आएगा वो भी ऑड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न हम कुछ स्क्वायर नंबर लेते हैं। जैसे टेन का स्क्वायर कितना होता है? हंड्रेड। ट्वेंटी का स्क्वायर 400। आगे 300 का स्क्वायर, ठीक है 400 का स्क्वायर, 60,000 का स्क्वायर क्या होगा? 125 और 40। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास चार जीरो है लेकिन 125 आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर 25,000 है तो हाँ ये स्क्वायर नंबर होगा क्योंकि इसके पास चार जीरो है। वहीं अगर आप एक जीरो भी कम कर दो ये, तो ये कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इवन नंबर ऑफ जीरो नहीं है। ठीक है, सो स्क्वायर ऑफ अ नंबर विथ यूनिट डिजिट एज जीरो विल
ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट इट्स एंड. क्या लिखा? स्क्वायर ऑफ अ नंबर विद यूनिट डिजिट एज जीरो विल ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट इट्स एंड. बोलने का मतलब क्या कि जब भी हम ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जिसके यूनिट डिजिट पर जीरो आता है, तो वो जो नंबर आएगा, रिजल्टेंट नंबर आएगा, उसके हमेशा में इवन नंबर ऑफ जीरोस होगा, कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, अब ये तो बात हुआ ऑड इवन और जीरो पे एंड होने वाले नंबर के स्क्वायर्स का. अब हम लोग कुछ और पैटर्न्स देखते हैं जिसका स्क्वायर नंबर से लेना देना एग्जैक्टली नहीं है, पर फिर भी वो एक पैटर्न बना रहा है और स्क्वायर नंबर से रिलेटेड पैटर्न ही बना रहा है. तो जैसे कि उसमें सबसे पहला एग्जांपल है, जब भी आप ऑड नंबर लोग का सम करोगे और वन से स्टार्ट करोगे, कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स का सम होना चाहिए और वन से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमेशा जो आप जो आपका सम आएगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा. जैसे कि ये देखो, 1 + 3 कितना हुआ? 4. 1 + 3 + 5 + 7 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ठीक है, देखते हैं. 4 + 3 = 4 हुआ, 1 + 3 = 4 4 + 5 = 9 9 + 7 = 16 ठीक है, 16 यहां तक हो गया, 16 × 9 = 25 × 11 = 36 नेक्स्ट यहाँ तो हो गया आपका 36, 36 × 13 = 49 15 64 17 81 कितना आया? 81. इस तरह से आप और एक आगे ले लो. हमेशा ध्यान रखना वन से स्टार्ट करना है, सारे ही ऑड नंबर्स को इंक्लूड करना है और कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स होना चाहिए, एक भी ऑड नंबर स्किप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा. ठीक है, यहाँ तक देखते हैं. तो देखो यहाँ तक हो गया आपका 81 81 90 100 121 144 ये 169 ठीक है. तो जब भी आप ऑड नंबर्स का सम करोगे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1, तो जो भी सम आएगा वो हमेशा एक स्क्वायर नंबर होगा. अब यहाँ पर किसका स्क्वायर नंबर होगा वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आप ध्यान से एक चीज और देखो, आपको पैटर्न क्लियर होगा. 1 + 3 यहाँ पर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, दो नंबर को ऐड करने पर 4 आया, यानी कि 2 का स्क्वायर. ये जो है ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है. ये जो है ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है. अब यहाँ पर भी देखो 4 का स्क्वायर है तो 4 नंबर हमने ऐड किया है, जब 6 का स्क्वायर है तो हमने 6 नंबर टोटल में ऐड किया है. उसी तरह से जब 9 का स्क्वायर ले रहे हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास 9 नंबर है, तब ऐड होकर के वो 81 आ रहा है. उसी तरह से यहाँ भी आप काउंट करोगे तो आपको 13 नंबर ही मिलेगा. यानी कि जब भी हम सम निकालते हैं वन से स्टार्ट करते हुए सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो जो भी रिजल्ट आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है जितना नंबर हमने ले रखा है. ठीक है, मतलब 1 से लेकर के 21 मान लो है, तो 21 तक जितना भी नंबर्स हुआ और उसका स्क्वायर आपका उसका सम होगा. ठीक है, लिखते हैं फिर इसको. द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 is equal to the square of number of numbers added. ठीक है, क्या लिखा हमने? The sum of consecutive odd numbers. जब हम consecutive odd numbers का sum करते हैं, कहाँ से? Starting from one. ठीक है, one से start करना है और consecutive odd numbers का हमको sum करना है. तो जो आएगा is equal to
द स्क्वायर, उसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स एडेड, मतलब जितना भी नंबर्स हमने ऐड किया है उसका स्क्वायर, यानी कि जैसे इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटल 13 नंबर्स हमने ऐड किया है, तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169। ठीक है, देखते हैं कुछ और पैटर्न्स। सबसे पहला, हम किसी भी ऑड स्क्वायर नंबर को दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के फॉर्म में ले सकते हैं, इंटीजर्स नहीं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे आप ये देखो 9 को लिख सकते हैं 4+5 लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 40+41 लिख सकते हैं, 169 को लिख सकते हैं 84+85 की तरह लिख सकते हैं, 225 को लिख सकते हैं 112+113 की तरह। ठीक है, सो हम किसी भी ऑड स्क्वायर नंबर को दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एन ऑड स्क्वायर नंबर कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कौन से ये दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए, हम वो कैसे पता चलेगा? तो आप सिंपल ये देख लो, कोई भी जो नंबर है मान लो एन स्क्वायर है, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 1/2 और एन स्क्वायर प्लस 1/2, ये दो हो गए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो एन स्क्वायर हम किसको बोल रहे हैं, जो भी स्क्वायर नंबर है उसको बोल रहे हैं। जैसे कि लेट्स से 9, तो 9 माइनस 1/2 9 प्लस 1/2, 9 माइनस 1 8, 8 बाय 2 4, 9 प्लस 1 10, 10 बाय 2 5, 81 माइनस 1 80 बाय 2 40 और 81 प्लस 1 82 बाय 2 41। ठीक है, सो हम n स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 और n स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 के फॉर्म में हम किसी भी ऑड स्क्वायर नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइनस 1, ठीक है, जो भी स्क्वायर नंबर है उसमें से एक घटा दे, कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या लिखा हमने, एन स्क्वायर माइनस 1, इसको हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव ऑड या फिर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये देखो 9 एक स्क्वायर नंबर है, इसमें से अगर माइनस 1 कर दे तो 8 आता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 की तरह, है ना, कंसेक्यूटिव इवन हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखो 36 माइनस 1 कितना होता है 35 होता है, और इसको आप लिख सकते हो 5 × 7 के फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हो। 121 माइनस 1 कितना होता है 120, लिख सकते हैं 10 × 12 के फॉर्म में। आप कोई भी ले लो, ठीक है, 729 माइनस 1 728 किस फॉर्म में लिखा है, 26 × 28 के फॉर्म में। ठीक है, तो कोई भी आप स्क्वायर नंबर माइनस 1 ले लो, उसको हम लोग लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कौन से ये कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नेचुरल नंबर होंगे, हमको कैसे पता चलेगा? तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जब हम लोग एन स्क्वायर माइनस 1 लिख रहे हैं तो हम एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपका एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं,
हमने लिया 576, ठीक है, माइनस वन, ये हो गया आपका 575। अब आप देखो 576 आपका 24 का स्क्वायर होता है, 24 माइनस वन 23 इंटू 25 के फॉर्म में 575 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 24 माइनस वन इंटू 24 प्लस वन, ठीक है, सो इस फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे एक और फ्रेंड देखते हैं, ये फ्रेंड है नॉन स्क्वायर नंबर का, ठीक है, आप देखो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, 1 स्क्वायर होता है 1, इसके बीच में कौन कौन से आते हैं, 2 और 3 आते हैं, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9, 4, फिर कौन कौन से नंबर आते हैं, 5 6 7 8 आते हैं, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर कौन कौन से नंबर, 36 49, कितने नंबर आए, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, कितने नंबर हुए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 12, कुछ देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा तो आप भी देखने को दिखेगा, इनमें से जो छोटा नंबर है 1 है ना, 1 इंटू 2 2, 2 2 इंटू 2 4, 6 6 इंटू 2 12, इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लो, जब आप दो नंबर दो स्क्वायर नंबर के बीच का नंबर जानना चाहते हो कि कितना नंबर है, तो जो छोटा नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको आपका नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन द होल स्क्वायर is always equal to 2n, ठीक है, जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर है दो स्क्वायर नंबर के बीच में, माइंड यू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर होने चाहिए, ठीक है, तो वो हमेशा छोटा वाला का दुगना नंबर होगा, ठीक है। आगे कुछ और ट्रेंड्स देखते हैं, आगे हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक नंबर्स का स्क्वायर का ट्रेंड, जैसे कि 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है, 1 1 1 का स्क्वायर कितना होगा मालूम है, 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 5, ठीक है, 11,111 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 आपको लिख देना है, तो सबसे रिवर्स में 4 3 2 1, ठीक है, इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 9 टाइम्स हम ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि कितना हुआ आपका 11,111,111 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हमने लिखा, रिवर्स में 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, सो ये एक ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। दूसरा ट्रेंड आप देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 67 का स्क्वायर कितना होता है, 4489, ठीक है, 6667 का स्क्वायर कितना होगा पता है, जितना यहाँ पर 6 है उतनी बार आप 8 लिख लो, 1 2 3, 3 बार 6 है, 3 बार हमने 8 लिख दिया, और लास्ट में 9 तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर है लास्ट में 9 ही होना है, यहाँ पर 3 बार 6 है तो हमने 3 बार 8 लिख दिया, और टोटल 4 डिजिट है तो 4 डिजिट हम 4 बार हम 4 लिख देंगे, ठीक है, तो ये होगा आंसर,
इस तरह से आप और भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन टाइम्स हमने 6 लिखा है, क्या होगा आंसर इसका? 7 टाइम्स हमने 6 लिखा है और एक 8, टोटल 8, तो आप 8 टाइम्स पहले 4 लिख लो, लिख लिया। 7 टाइम्स आपके पास 6 है तो 7 टाइम्स 8 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 9। ये कुछ स्पेशल आपका ट्रेंड है जो देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और ट्रेंड, कोई भी नंबर जिसके एंड पे 5 है उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो 5 स्क्वायर तो 25 इजी है, ठीक है। फिर 25 स्क्वायर आप लोग को याद होगा 625, ठीक है। 35 का स्क्वायर 1225, अब यहां से गड़बड़ हो रहा है। 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आंसर है 3025। करना क्या है हम लोग को, जहां पे यहाँ पे जैसे जीरो है तो 0 × 1, ठीक है, 0 और उसे एक बढ़ा करके 1, 0 × 1 0 हो गया और लास्ट में आपको 25 लिख देना है, यही करना है। 2 है 2 × 3 6, 6 हमने लिख दिया और लास्ट में 25, ठीक है। 3 × 4 12 अगेन 25 लिख दो। 5 × 6 30, 3025 आंसर होगा। 85 कितना होगा? 8 × 9 72, तो ये होगा 7225, ठीक है। तो ये है कि हो गया कुछ ट्रेंड्स। अब आगे हम लोग बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स पे। आपको पता है ट्रायंगुलर नंबर्स किसको कहते हैं? जो नंबर को आप ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, जैसे कि ये आपका छोटा सा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, सिर्फ एक का ये है। अगर हम इस तरह से बनाए, ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन जा रहा है, 3 है और देखो 1 2 3 4 5 6, देखो ट्रायंगल बन गया। बस आपको ध्यान रखना है रोज और कॉलम्स मेंटेन रहने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। इसे सॉल्व बनाते हैं, ये भी आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 9 10, टोटल 10 हो गए और ये भी आपका एक ट्रायंगल है। इसी तरह से जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। तो आप ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि जब भी आप किसी ट्रायंगुलर नंबर को, दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करोगे तो वो हमेशा स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। सम ऑफ टू, ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स is always a square number, ठीक है। कोई भी आप दो consecutive triangular number ले लो और उसको add करके देख लो, आपका answer हमेशा square number होगा। जैसे यहाँ पर 10 + 6 16 square है, 6 + 3 9 square है, 3 + 1 4 square है, 1 + 0 square है। उसके बाद फिर आगे भी आप बना लो तो कितना बनेगा आपका? 15 + 10 25 स्क्वायर है। तो इस तरह से कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको हमेशा एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। आज का वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा स्क्वायर्स के बारे में और हमने देखा कुछ पैटर्न्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको उसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।